أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها

बाक वक्त जंग कई महाज़ों पर लड़ी जाती है ये आपको मालूम है परसेप्शन वॉर होता है मीडिया वॉर ग्राउंड इन्वेजन साइकोलॉजिकल वॉर और आज के ज़माने में साइबर वॉर और भी बहुत से महाज़ हैं जिन पर जंग लड़ी जाती है इस जज़् की शुरुआत में नफसियाती जंग का ज़िक्र है कि किस तरह से दुश्मन इस्लाम नबी करीम अलैहि वसल्लम के घर के अंदर भी कुछ मसाइल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे ऐसे में अजवाज मतहराद को एड्रेस करके कहा गया कि तुम दुनिया की आम औरतों की तरह नहीं हो तुम रियासत मदीना की कोीन हो मलिका का मुकाम आम औरतों से ऊंचा होता है सादगी में हर एक को एंटरटेन न करें हर एक से गुफ्तु न करें हर एक को करीब होने का मौका ना दें दूसरी मोमिना औरतें हाजात ज़रूरियात और दीगर काम काज के लिए घर से बाहर जा सकती मगर तुम घर में टिक कर रहो लोगों से ज़्यादा मिलने मिलाने में फितना रूनमा होने के अंदेशे थे जो एक सियासी हरबे के तौर पर दुश्मनान इस्लाम इस्तेमाल करना चाहते थे वैसे पहले से भी बहुत से गलत प्रपोगेंडे मुशरे में फैला रखे थे उन्हें तालीम दी गई कि तुम अहल बैत हो तुम्हारा घर पाकि का नमूना होना चाहिए नमाज का माहौल हो तुम ज़कात देने वाली बनो और नबूत का चराग जो तुम्हारे घर में जल रहा है उसकी रोशनी को आम करना तुम्हारी एक ज़िम्मेदारी है फिर उसके बाद एन आइडियल मुस्लिम सोसाइटी कैसे होती है उसका जिक्र किया गया कि मुस्लिम समाज के अंदर दस खसूसियात होती हैं उनका हर फर्द सालियत नेकी और तकवा का मजहर होता है मुस्लिम सोसाइटी में रसूल वसल्लम का मुकाम सिर्फ एक रिलीजियस अथॉरिटी या हेड ऑफ़ द स्टेट की नहीं बल्कि लॉ गिवर आप थे आप चीफ जस्टिस थे आप शारे थे शरीयत भी आप देते थे कुरान की रोशनी में और शारह भी थे यानी जो शरीयत अल्लाह ताला की तरफ से आती थी उसकी शरह भी बयान फरमाते थे आपका दिया हुआ कानून इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है आपका फैसला हरफ आखिर है जो उसके खिलाफ अमल करेगा वो गुमराही में दूर जा पड़ेगा आपकी ज़ाती ज़िंदगी का एक मसला यानी आपकी एक शादी को लेकर बाहर के दुश्मन और सफ़ों के अंदर के दुश्मन दोनों प्रोपोगेंडा में शरीक थे रसूलुल्लाह रसूल सल्लाम को कहा गया कि दीन पर अमल करते हुए इन लाल भुज की परवाह न करो आइडियल मुस्लिम सोसाइटी में सुबह शाम अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से होता है और रसूल जो उनकी समाज का महसिन है उस पर दरुद सलाम भेजते रहो इससे उम्मीद है कि तुम अंधेरों से निकल कर रोशनी में और नूर में आकर ज़िंदगी बसर करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला ज़रफ़ी और अखलाकी बुलंदी थी कि वो सब के साथ आम इंसानों की तरह मिलते जुलते थे मगर उनका मुकाम रसूल के साथ साथ वक्त के हुक्मरान का भी था आप अपने ज़माने के शहिनशाह थे आपके घर की प्राइवेसी महफूज होनी थी इसलिए कहा गया कि बे मुहाबा आप घर में दाखिल ना होना और कभी खाने के लिए बुलाए जाएँ मौका हो तो जाने के बाद खाने से फारि होने के बाद फौरन चलते बनो विराजमान होकर वहाँ खुशगप्पियाँ करते ना बैठो मुस्लिम समाज की एक पाक आदत यह है कि वहाँ औरतें बेहया नहीं फिरती अपने जिस्मों के ऊपर चादर ओढ़े रखती हैं और घूंघट डाले रखती हैं यानी टू ड्रॉ देयर क्लोथ्स ओवर देयर बॉडीज ये उनका मिजाज होता है अब उसके बाद इस जुज़् में उन लोगों को वार्निंग दी गई जो मसीफ़ मगर्स थे वार्निंग टू मिससीफ मांगर्स मुसलमानों के सफ़ों के दुश्मन रसूल अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी और तोहने रिसालत के जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे मदीने में ग़लत बातें फैलाते थे जैसे हज़रत ज़ैनब की शादी को लेकर उन्होंने बदतमीज़ी का एक तूफ़ान उठा दिया उन लोगों को वार्न किया गया कि मदीने में अगर अफवाहें फैलाते रहेंगे और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनके साथ सख्त कार्रवाई होगी इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे फिर एक मजमून आया फॉलोअर्स कर्स देर लीडर्स इन हेल फायर यानी इस्लाम दुश्मनों को मुस्तबिल की एक तस्वीर दिखाई गई जब जहन्ना में उन्हें झोंक दिया जाएगा तो चेले चांटे अपने लीडरों के ख़िलाफ़ गैज़ व गज़ब से भड़क रहे होंगे और लानत तो मलामत कर रहे होंगे मगर वहाँ के लीडर्स एंड फॉलोअर्स दोनों को जहन्नम के अजाब का मज़ा चकना होगा याद रहे कि ये दुनिया की ज़िंदगी में जो फ़्रीडम ऑफ चॉइस मिली है आजमाने के लिए है कि कौन उसका सही इस्तेमाल करता है और कौन ग़लत सही इस्तेमाल करने वाले अल्लाह की रहमत पाएंगे ग़लत इस्तेमाल करने वाले अल्लाह ताला के अजाब में मुब्तिला होंगे इसके बाद इस जज्स के अख्ताम तक तौहीद के सिलसिले की गुफ्तु है और मौजू यह है कि यूज़ योर इंटेलेक्ट एंड फाइंड दी हैंड्स ऑफ गॉड इन एवरी थिंग आसमान और ज़मीन के मुशाहिदे करने की दावत दी गई कायनात के एक एक जिस पर उसका हुसन और उसकी कारीगरी उसका मकसद होने पर गौर करने पर उभारा गया और बंदगी का रवैया अख्तियार करने की दावत दी गई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत अलैहिस्सलाम की मिसालें पेश की गईं कि वो वक्त के हुक्मरान होते हुए अमल साले करने वाले इंसानों की खिदमत बजा लाने वाले और दावत दीन उनकी पहचान रहे ख़वान हजरात इस सूरत में पाए जाने वाले मजामीन का खुलासा पेश किया गया अब हम आज के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करते हैं टॉपिक ऑफ द डे ब्लैसफेमी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी तोहन रिसालत और इजहार राय की आज़ादी शुरह नंबर थर्टी थ्री आयत नंबर फ़िफ्टी सेवन से सिक्सटी टू तक बात करेंगे लेकिन आयतों का मजमू बड़ा है इसलिए मैं आयत नंबर फिफ्टी सेवन और आयत नंबर सिक्सटी वन की तिलावत करता हूँ बाकी आप फॉलो कर लेंदीना व रसूल फिर दुनिया व आखिर वद अदा बम महीना मनओन आयन सुखीफु उलु तखतीला जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमाई उनके लिए रसवा कुल अजाब मुहैया कर दिया है उन पर हर तरफ़ से लानत की बोछाड़ होगी जहाँ कहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे और बुरी तरह से मारे जाएंगे मदीने में मुनाफिकीन थे जो रसूल अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करते थे यूँ भी कह सकते हैं कि वो यहूद के एजेंट थे मुसलमानों के सफ़ों में रसूल सल अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना अल्लाह को तकलीफ़ देने के बराबर है क्योंकि आप अल्लाह के महबूब थे आप पर तो अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं इंसानों में कुछ बदबक ऐसे हैं जो रसूल को ईज़ा पहुंचाते हैं आप सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम को मेंटल और इमोशनल पेन इनफ्लिक करते हैं मौजूदा तहक़ीक़ात से पता चलता है कि जिस्मानी अजीय और रूहानी तकलीफ़ दोनों एक जैसे होते हैं साइकट्रिस्ट ने एम आर आई के ज़रिए मालूम किया कि जहनी अजीय के भी वही असरात होते हैं जो जिस्मानी ज़ख़्म के होते हैं दिमाग के एक मखसूस हिस्से में जो दर्द और तकलीफ़ से मुतालिक है उस जगह रूहानी अजीय से एक्टिवेशन शुरू हो जाता है स्ट्रेस रेस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और स्ट्रेस के हारमोन जिसम में रिलीज़ होने लगते हैं गुर्दे के पास एड्रिनल ग्लाइन होते हैं वहाँ से एट्रीनल और कॉर्टिजाल जैसे हारमोनस रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं जो इंसान को गमगीन रखते हैं, मायूसी उन पर छा जाती है मुस्तकिल इस मरहले से गुजरने के नतीजे में बुढ़ापा जल्दी से आ जाता है यानी स्ट्रेस रिजल्ट्स इन एजिंग इस अजियत और तकलीफ़ में इंसानी समाज से भी इंसान कटने लगता है जब रसूलुल्लाह पर अल्लाह और फरिश्ते रहमत भेजते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाले पर अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की लानत बरसती है ऐसे लोग दुनिया में भी जलील खार होंगे और आखिरत में भी उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा ऐसे लोग दुनिया में जलील खार होते ही उसको समझने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ मुसनफ़ी और कुछ पार्टी इस्पोक्स पर्सन ने नबी मोहतरम के ख़िलाफ़ दरीदा गोई की आपके शान में गुस्ताखी की आज उनकी ज़िंदगी को देखिए अल्लाह ताला ने उन्हें नशा नेब्रत बना दिया ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कोई रसूल को ना मानना चाहे तो ना माने लेकिन आपकी तोहीन अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है जब अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है तो रसूल के मानने वाले कैसे तोहन रिसालत के वाक़ पर चुप साध लें इस दुनिया में लानत भी है और इस दुनिया में उनके जुर्म की सज़ा भी है जिस पर आगे हम गुफ्तु करेंगे इन आयतों में तीन मरतबा लफ्ज अजियत आया है जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं जो मोमिनों को अजियत देते हैं जो आपकी बीवियों बेटियों को और मोमिनात को अजियत देते हैं ये तीन मरतबा लफ्ज आया है इसका क्या मतलब है पहले तो हम अंग्रेजी में इसका तर्जुमा क्या किया जाता है वह देख लेते हैं मोहम्मद असद तर्जुमा करते हैं वेरीली एज फॉर दो नोइंगज असल गॉड विल रिजेक्ट दम यह मोहम्मद असद ने तर्जुमा किया मोहम्मद फारूक आजम मलिक ने तर्जुमा किया श्योरली दोज ए नोए अल्लाह एंड इज रसूल आरसड बाई अल्लाह मुस्तफ़ा खत्ता ने तर्जुमा किया बाई अल्लाह और मार्मोडिक्ताल ने तर्जुमा किया लो दो जू मलाइन अल्लाह एंड हिज मसेंजर अल्लाह हैथ कर्स देम और अब्दुल्ला यूसुफ़ अली ने तर्जुमा किया अनॉय अल्लाह एंड अपोजल अल्लाह दो्लाज कर्स डेम इन दिस वर्ल्ड ये अजियत का तर्जुमा है अनॉय करना या रसूल को तकलीफ देना अब अल जो लफ्ज़ आया है हर उस ज़रर को कहते हैं जो किसी जानदार को पहुंचता है वो ज़रर जिस्मानी हो या नफसानी या उससे मुत्ल हो और फिर वो ज़रूर दुनियावी या उखरवी हो चुनाचे कुरान पाक में है लातुबिलु सदक़ात कुम बिलम वा अपने सदकत व खैरत को एहसान जता कर ईजा देकर बर्बाद न करो एक और जगह आया है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को रंज पहुंचाते हैं उनके लिए अजाब अलीम है एक और जगह आया है मूसा, तुम उन लोगों जैसे न हो ना जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी ऐब लगाकर रंज पहुंचाया अजियत पहुंचाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं यहूद नबी वसल्लम को अल्फाज से खेलते थे और जबान से अजियत देते थे जंग अहज़ाब के मौके पर यहूद के कबीले बनी खुरैज़ा ने अहद शिकनी की और करीब था कि मुसलमान औरतों और बच्चों की जान खतरे में पड़ ऐन जंग के मौके पर उन्होंने गद्दारी की और उन्होंने सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई मदीने में कुछ मुखनस थे वो रसूल अलैहि वसल्लम और उनके घर के अंदर की बातें बाहर पहुंचाते और तमस्कुर करते नौकरी करते थे आपको जतीी तौर पर इंसल्ट करना भी इस आयत के लफ्ज अजियत के मफू में शामिल है रसूल्ला के तोहन की तमाम शक्लों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वह है ब्लास्फेमी आज के दौर में वकफे वकफ़े से एहानत रसूल के वाक्या पेश आते रहते हैं आज से सौ सवा सौ साल पहले नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए हिंदुस्तान में कई किताबें लिखी गई ये हम तारीख में पढ़ते हैं होश संभालने के बाद सबसे पहली मरतबा हमने ये लफ्ज़ ब्लास्टफेमी उस वक्त सुना जब 1998 में एक बदनाम ज़माना किताब मंजर आम पर आई थी सैतानिक वर्सस के नाम से उस किताब के खिलाफ पूरी दुनिया में एहताजात हुए हिंदुस्तान में भी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई हुकूमत पर दबाव डाला गया कि इस किताब पर पाबंदी लगाई जाए फिर 1993 में लज्जा नाम की एक किताब शाये हुई फिर उसके बाद 2005 में डेनिश न्यूज़पेपर जिलेंट्स पोस्टन ने सटेरिकल कार्टून पब्लिश किए यानि उस न्यूज़पेपर के कार्टून ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत से कार्टून बनाए और उसके बाद सारी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया हुकूमतों के माबे तनाव पैदा हो गया रसूल सल्ला वम मौजू बहस बने और यह भी मौजू बहस था कि इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए मगर मुसलमान तंग नजर हैं। मगरब की तरफ से बार बार रसूल अलैहि वसल्लम की इहानत दरअसल उनकी नस्ल परस्ती और नस्ली बरतरी और जनफोबिया यानी गैर मुल्कियों के खिलाफ जो नफरत और जो तोहन आमीज़ काम करते हैं उसको जेनोफोबिया कहते हैं तो ये उनके जेनोफोबिया का इजहार है इस वाकये के बाद अकवा मुतहद के जनरल सेक्रेटरी को मगरबी दुनिया के मीडिया से अपील करना पड़ा कि वह मजहबी एहसास के साथ छेड़खानी ना करें जबकि यूरोपियन यूनियन ने कार्टून की हिमायत की ओ आई सी ने खूस मीटिंग तलब की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कई लोगों की जाने गई उस वक्त कुरान जलाने के वाक़ भी यूरोप में आए दिन होते रहते हैं दो साल कबल हिंदुस्तान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुक्मरान पार्टी की पर्सन ने गुस्ताखी की तो पूरी दुनिया में एहतजाजात हुए इस एहतजाज में कई शहीद हुए कई जेलों में गए कई के घरों को बुलडोजर चलाकर खाकसर कर दिया गया मगर मुसलमानों को अपने घर अपनी तिजारत और वीशत और अपने आज़ाद चलत फिरत और अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसलिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्हें ज़रा बराबर अफसोस नहीं है बल्कि वह अपनी खुशकस्मती समझते हैं कि रसूल अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत पेश करने की उन्हें तोफ़ी मिली यहूद की ब्लैसफेमी मशहूर है वो खुदा के सिलसिले में भी नाज़ेबा अल्फाज कहते ही और कुरान में वो बातें महफूज हैं और अपने नबियों के सिलसिले में भी उन्होंने बहुत सी गंदी बातें अपनी किताब में लिख रखी हैं जिसे वो खुदा का कलाम कहते हैं और उसमें उन्होंने तहरीफ की है ईसाई दुनिया में ऐसे लोग भी आज भी पाए जाते हैं जो हजरत ईसा आलाम के सिलसिले में तोहही आमेज अल्फाज अपने टी शर्ट पर लिख कर बाजार में चलते फिरते हैं किसी को गिरत नहीं होती तो यह क्यों हो रहा है कि रसूल वसल्लम की तोहन करना बेइज्जती करना इंसल्ट करना मौक्री करना इसकी क्या वजह है इसको थोड़ा सा हम गौर व फिक्र के साथ देखते हैं असल में यह है कि वेस्ट और इस्लाम के दरमियान ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इस्लाम में भी आज़ादी राय है उसका आइडिया पाया जाता है और मगरब में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आइडिया है मगर इन दोनों के तस्वर में बड़ा फ़र्क है पहले हम वेस्ट का जो डेफिनेशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उसको देखते हैं उसमें जो कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया है उसका कहना है कि एबिलिटी टू टॉक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नल कंट्रोल यानी बगैर किसी पाबंदी या बैरूनी कंट्रोल के दिल की बात करने की आजादी होनी चाहिए दूसरा डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का है उसका कहना है कि ईच पर्सन हैज लिबर्टी इन होल्डिंग ओपिनियंस सीकिंग रिसीविंग और इंपॉर्टिंग आइडियाज और इंफॉर्मेशन बाई मीन ऑफ एनी मीडिया विथाउट कंसिडरिंग एनी बॉर्डर यानि हर शख़्स को आज़ादी हासिल है कि वो किसी भी किस्म की सरहद का ख्याल किए बग़ैर किसी भी मीडिया के ज़रिए कोई भी ख्याल या मालूम हासिल कर सकता है ख़यालत को फैला सकता है और दूसरों की राय बना सकता है अब उसके बाद हम एक और डेफिनेशन देखते हैं जो इस्लामिक डेफिनेशन है और वो कायरो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उनका यह कहना है कि एवरी वन इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यू पॉइंट बट इट मस्ट नॉट बी इन डिनाइल ऑफ शरिया हर कोई अपने नुक़ नजर के इजहार में आजाद है लेकिन यह शरीयत के मुनाफी नहीं होना चाहिए एक और डेफिनेशन ये है कि द राइट टू अडॉप्ट स्टे और लीव या रिलीजन यू मस्ट ट्रीट अदर्स एज़ यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड ये यूनिवर्सल डिकलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कहा गया मज़हब इख्तियार अंदर रहने या उसे छोड़ने का हक़ हाँ है आपको दूसरों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जैसा कि आप अपने साथ बर्ताव चाहते हैं अब आते ही ख़वातन हजरा हम इस्लामिक आइडिया फ्रीडम पर इस्लाम हमें आज़ादी के सिलसिले में क्या तस्वुर देता है कुरान कहता है ला युकल नफसन इल्ला अल्लाह उहा किसी नफ्स पर उसकी उसत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता वाला थिर वाजिरतों विजरा उखरा उमत के दिन कोई शख्स किसी और का बोझ नहीं उठाएगा आप जो करेंगे उसका बोझ आप उठाएंगे फलकल मऊत वल हयात लियबुलवकुम लिया अमला यह है इस्लामिक आइडिया फ्रीडम कि यह दुनिया जिसमें इंसान को भेजा गया इंसान आज़ाद है जो चाहे करे लेकिन उसकी आजमाइश है कि कौन ज़िंदगी में अच्छे अमल करता है कौन अपनी अंदरूनी ज़िंदगी को हसीन और खूबसूरत बनाता है फ्रीडम है लेकिन लातुफ़ सिदु बादा बा के जमीन में फसाद बर्पा ना करो जबकि उसकी इसलाह की गई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कुरान कहता है कुं तुम खैर उम्मत उमर बिल मरूफ वतन हाउन अनिल मुनकर तुम बेहतरीन उम्मत हो तुम्हारा फ्रीडम है कि लोगों को बुराई से रोको खैर की बातें दुनिया में फैलाने के लिए आजादी है अफजल जिहादी कलीमत आदलिन द सुल्तान इन जायर सबसे बेहतरीन जिहाद कलीमय आदिल कहना बाज हदीस में है कलीम हक कहना जो जाबिर सुल्तान है उसके सामने हक बात कहना ये फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है दीन के मामले में कोई जबर नहीं है ना इकराह फिद्दीन तो आपको आजादी है दीन जो चाहे कबूल करे जो चाहे कबूल करे फ्रीडम मौजूद है खुदा और उसके रसूल की तोहन इस आज़ादी में शामिल नहीं है इस्लाम के नज़दीक इजहार राय की आज़ादी एक चीज़ है किसी का तमस्कुर करना किसी की मौकरी करना किसी को इंसल्ट करना किसी का मजाक उड़ाना किसी की गबत करना किसी की कमजोरियों को बयान करना या इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें प्रोपोगेट करना यह दूसरी चीज़ है यह आज़ादी राय में शामिल नहीं है इंसानी समाज में अच्छाई फैलाने के लिए अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करें बुराई और बद फैलाने के लिए आज़ादी इस्लाम नहीं देता आज़ादी राय इंसान का बुनियादी हक है हर फर्द को तनकीद करने का हक है अगर कोई इस्लाम पर भी तनकीद करना चाहता है तो उसका हक है तनकीद एक अलग चीज़ है तनखीस एक अलग चीज़ है कमेंट करना एक अलग चीज़ है इंसल्ट करना एक अलग चीज़ है दूसरों के मज़हब का अहतराम सिखाया गया और दूसरे मजाहब के खुदा को गाली देना यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कुरान ने मना किया इसकी आज़ादी नहीं है आज़ादी राय का इजहार समाज के असलाह के लिए हो ना कि समाज में फसाद के लिए इजहार आज़ादी राय खुदा का अतिया है ताकि इंसान अपना नुक़ नज़र दुनिया के सामने पेश कर सके तो ये इस्लाम का तस्वुर है हम ये समझते हैं कि आज़ादी का सहारा लेकर मगरब जिस तरह से आप अलैहि वसम के ख़िलाफ़ तोहन का इरतक करता है वह इंतहाई नाम और इंतहाई गैर मुतमद्दिन रवैया है इट इज़ अनसिस्ट मोस्ट रिवर्ड मैन द दर्थ इस रूए जमीन पर नबी वसल्लम से ज्यादा काबिल एहतराम कोई और शख्स नहीं है आप सल्लास अखलाक के अला तरीन मुकाम पर फायस्त थे दोस्त दुश्मन सब आपके किरदार की गवाही देते हैं आप रिश्तों का पासो लिहाज रखने वाले कमज़ोरों का ख्याल रखने वाले मुसबत सोच रखने वाले जज्बात में तोज़न रखने वाले इंसान थे आप एक आफाकी मकसद रखने वाले गलब और इकतदार रखने वाले फिर भी सादा जिंदगी बसर करने वाले इंसान थे आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर इंसानियत के अला तरीन खसूसियात के हामिल इंसान थे आप ज़माने ने कभी आप जैसा मुजस्सम रहमत नहीं देखा आप सिर्फ़ अरब के लीडर नहीं थे और आप सिर्फ़ अपने ज़माने के लीडर नहीं थे बल्कि आप अरब के लीडर ज़रूर थे मगर अजम भी आप पर जानसारी करता है आप पुख्ता किरदार वाले सब्र सिबात के पैकर और इस्तकामत की चट्टान थे आप अपने अजायम में फौलाद थे मगर बर्ताव में रेशम की तरह नर्म थे अपनी बातों पर आपको पक्का यकीन था आप खुदा के मुंतखब थे करोड़ों मुसलमानों के दिलों की धड़कन है संजीदा गैर मुसीमों ने आपकी खूबियों का एतराब किया है आपने समाज को बदल कर रख दिया था आपने तारीख़ का धारा मोड़ दिया इसलिए आप अपने ज़माने के ही एक अजीम इंसान नहीं थे बल्कि आपकी आजमत ज़मानो मकान से मावरा है टाइम एंड स्पेस से ऊपर है दुश्मनों को माफ़ करने वाले सहाबा की हिम्मत अफजाई करने वाले बच्चों को आगे बढ़ाने वाले नादिर रहनुमा थे आपके कलाम में हमत और आपकी ज़ुबान में तासीर थी किसी को हीरे की कदर ना हो तो ना हो मगर से जहीन आदमी और अक्लमंद आदमी नहीं कहेंगे बल्कि बेवकूफ़ और गबी इंसान कहेंगे एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में मुस्तकिल तंज करना तजीक करना तमस्कुर करना मौकरी करना इंसल्ट करना गोया मुसलमानों के जज्बात से खेलना है मगरब के इस इश्तियाली रवैये को मुसलमान रद्द करते हैं मगरबी मीडिया की तरफ से वक्ता फ़वकाता नबी करीम अलैहि वसल्लम के खिलाफ मजामीन आते रहते हैं आपके कार्टून को बार बार शाये किया जाता है ये मुसलमानों के लिए अजियतनाक है और मुसलमान यह समझते हैं कि दानिस्ता इस्लाम और मोहम्मद वसल्लम के खिलाफ यह डिसरेस्पेक्ट है इस तरह के वाकत से मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं और जब वो अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं तो उस वक्त आज़ादी राय का कानून तिजोरी में बंद करके रख दिया जाता है हमारे नजदीक आप अलैहि वसल्लम के खिलाफ मजह का खेज जो कार्टून बनाए जाते हैं वो बड़ा गुनाह है और एक सीरियस रिलीजियस अफेंस है लगता है कि आज के ज़माने में मगरब और मगरबी मीडिया ने मुसलमानों को प्रवोक करना इश्ताल दिलाना इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करना उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है एक मुसनफ़ ने बहुत ख़ूबसूरत बात लिखी है जो लोग इस तरह की बदतमीज़ी को बुनियादी इंसानी हकूक़ मानते हैं उनसे वो पूछते हैं मगरिब के पास ह्यूमन राइट्स तो बहुत हैं मगर राइट right ह्यूम की शदीद कमी है अब हम इस गुप्तगु के आखिर में बताएंगे कि वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड क्या है ब्लैसफेमी को लेकर वही डेनमार्क का अखबार जो रसूल तोल्ला वसल्लम के खिलाफ कार्टून छापने को प्रिंट करने को पब्लिश करने को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है उसने 2003 में हजरत ईसा के खिलाफ कार्टून की एक सीरीज शाये करने से इनकार कर दिया इस बुनियाद पर के पढ़ने वालों को वो अफेंसिव लगेगा आज भी यूरोप में हॉलोकास्ट डिनाइल इज ए वेरी सीरियस इश्यू यानी जो कहा जाता है कि हिटलर ने साठ लाख यहूदियों को गैस चम्बर में डालकर मार दिया उस पर सवाल करना एक जुर्म है 1994 में स्विट्जरलैंड फ्रांस ऑस्ट्रिया जर्मनी इन सब लोगों ने एक लेजिस्लेशन पास किया प्रोहिबिटिंग हॉलोकास्ट डिनाइल यानी कोई फ़र्द हॉलोकास्ट को अगर इनकार करता है तो वो जुर्म है उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी जर्मनी में हॉलोकास्ट का इनकार करने पर पाँच साल की सजा मिलती है और ऑस्ट्रिया में दस साल की जेल की सज़ा होती है ख़वात हजरात आप सोच कर देखें कि अगर एक यहूदी रिबी के सर पर पगड़ी बांध कर एक बम का कार्टून चाय किया जाता तो सारी दुनिया में एंटीसेमिटिज्म का हंगामा खड़ा कर देते स्विट्ज़रलैंड में 1937 का पीनल कोड कहता है कि किसी शख्स के खिलाफ ज़ुबानी या तहरीरी या इशारों से इज्जत पर हमला करना या किसी ग्रुप पर उसकी नस्ल जबान और मजहब की बुनियाद पर उसकी बेइज्जती करना यह सब काबिल सज़ा जुर्म है यानी किसी शहरी की इज्जत नामूस का तहफूस तो वो एक हक़ समझते हैं और एक ऐसी हस्ती जिसे दुनिया की बड़ी आबादी अपना हीरो मानती है उसके खिलाफ बकवास और अफवाह करने और उनकी शान में गुस्ताखी करना उनके नज़दीक ये काबिल गिरफ्त जुर्म नहीं है गो के दुनिया के रजिस्टर में अपना नाम ईसाई कॉलम में लिखाने वालों की तैदाद ज़्यादा हो सकती है लेकिन अपने मजहबी रहनुमा का एहतराम करने वालों में और अपनी जानों से ज़्यादा उसे अजीज रखने में दुनिया में कोई कौम मुसलमानों के बराबर नहीं है मगरब के डबल स्टैंडर्ड देखिए कि जर्मनी के जो फेडरल प्रोजिक्यूटर होता है उसको एक यहूदी वकील एरविन एतान शहर उसने एक क्रिमिनल कंप्लेंट भेजा कि ईरान के सबक़ सदर अहमदी नजाद ने कई मरतबा हालोकास्ट जिसमें साठ लाख यहूदियों के मारे जाने का जिक्र है उस पर शक का इजहार किया इसलिए उन पर मुकदमा चलना चाहिए उसका कहना है कि उससे एक नस्ल के खिलाफ नफरत का इजहार होता है और उसमें मरने वालों की तोहन होती है और यहूदियों के हक़ की तोहन होती है दो हज़ार छः में बरतानिया के एक मौरख यूके का एक हिस्टोरियन डेविड इरविंग उसकी किताब है हिटलर्स एरा वियन्ना के कोर्ट में उस किताब पर तीन साल की जेल की सज़ा उसे दी गई इसलिए कि उसने हालोकास्ट का इनकार किया उसके अगले दिन ऑस्ट्रिया का जो स्टेट प्रोजीक्यूटर है उसने कोर्ट से अपील की कि तीन साल की सज़ा कम है उसे मजीद बढ़ा दिया जाए आप देखिए डबल स्टैंडर्ड एक तरफ़ वह अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ शान में गुस्ताखी करने को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं और जब कोई हालो को क्वेश्चन करे तो उसे सज़ा मिलेगी वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है यूरोप में 1989 में वो जो किताब आई थी सैतानिक वर्सेस उसको लेकर वहाँ के मुसलमान बरतानिया के कोर्ट में गए और दरख्वास्त दायर की कि ब्लैसफेमी कानून में सलमान रुशदी को सजा दी जाए आपको सुनकर ताजुब होगा उन्हें बताया गया कि यह कानून सिर्फ ईसाईत के तहफ़ के लिए ना कि इस्लाम के तो इस ब्लैसफेमी के कानून के तहत सलमान रुशदी को ट्रायल नहीं किया जा सकता यह इसलिए कि उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है हमने इस गुफ्तगु के आगाज़ में बताया था कि तोहन रसालत करने वालों के लिए इस दुनिया में भी अजाब है आयत नंबर सिक्सटी वन में बताया गया कि ये लानत ज़दा लोग हैं अब इसके बाद जहां भी वो पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह से मारे जाएंगे चुनाच इस वार्निंग के बाद मदीने में जितने यहूद और मुनाफि रहे वो जलील और मरूब होकर रहे और कुछ यहूद मदीने से निकाले गए कुछ कत्ल किए गए मुनाफिकीन धमकी सुनकर दबक गए और सज़ा से बच गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने आपकी तोहन की ताइफ वालों ने आप पर पत्थर बरसाए पहाड़ों के फरिश्ते उन्हें पीस कर रख देने की सिफारिश आपसे चाहते थे आपने मना कर दिया जिन लोगों ने मक्के में आपको सताया था और आपने उनके बारे में कहा था कि फ़तेह मक् के मौके पर अगर वह काबतुल्लह के खिलाफ से भी लिपटे हुए हों तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए उनमें से बाद हज़रत बाज़ हज़रतमान रजा या दीगर साहबा के हवाले से रसुल्ला की बारगाह में आए तो आपने उन्हें माफ़ कर दिया कुरान में शुर बकर में तफसील से आया है कि किस तरह से यहूद रसुल्ला सल्ला वसलम की तोह क्या करते थे मगर उन्हें इस जुर्म में उस वक्त नहीं पकड़ा गया अबू हुरैरा रज़ील् तैन की माँ आप सल्ला व्म को गालियाँ देती थी हज़रत अबू हरे रज्ला रसुल्ला के पास आए और दुआ की दरख्वास की आपने दुआ की तो उसका दिल बदल गया अब्दुल्ला बिन उबाई बिन सलूल ने रसुल्ला के बारे में नाजेबा अल्फाज कहे इन सब मामलों में रसुल्लम ने माफ़ी से काम लिया ये आपका किरदार था यह आपकी अला जरफ़ी थी और आपके ज़माने में कोई सज़ा उस वक्त तजवीज़ नहीं की गई थी सिवाय जंग में धोखा दही करने वालों के लिए जिनको सज़ा दी गई थी बाद के ज़माने में इस्लामी हुकूमतों को इसका इख्तियार है कि हालात के नज़ाकत के, के लिहाज से वो ताज़ीरी कानून बनाएं इस्लाम उन्हें इसकी इजाज़त देता है क़ानून सख्त होगा तो ना हिंजारों को नबी वसल्लम की तौहीन करने की हिम्मत नहीं होगी और यह जरूरी नहीं कि इस्लामी हुकूमत ही में ऐसा कानून बने जहाँ भी मुसलमान फ्लूरल सोसाइटी में रहते हों वहाँ अपनी हुकूमतों से बात करें कि इस तरह का कानून का पास कराया जाए जिसमें मजहब की अजीम शख्सियतों के खिलाफ तोहैन न हो खात हजरात यह बहुत ही सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू था जिस पर हमने गुफ्तु की है रसोल्ला सल्ला वम से मोहब्बत करने और आपकी अजमत का अतराफ़ करने के अल्लाह ताला हमें तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन व आखिर दावाना रब्बिल आलमीन